अस्सलाम वालेकुम। आज मैं दही बड़े बना रही हूँ, बहुत टेस्टी वाला दही बड़े, चटपटा सा दही बड़े। इसमें मैंने क्या क्या डाला है वो मैं बता देती हूँ। माश की दाल मैंने लिया 1 कप, मूंग की दाल 1/2 कप। माश की दाल जिसको उड़द दाल भी कहते हैं, दोनों दाल को मैंने मिक्स करके वॉश किया है। अब उसमें पानी डाल के ओवरनाइट रखूँगी ढककर, फ्रिज में नहीं रखना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखना है। और नहीं तो कम से कम 5 से 6 घंटा तो इसको पानी में सोख होना ही होना है, दिन में भी डाले तो। जिंजर मैंने लिया है 1.5 इंच का, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 ग्रीन चिल्ली मैंने लिया है, 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1/2 टीस्पून हींग पाउडर है। माश की दाल है तो हींग पाउडर ज़रूर जाएगा। ये मैंने पानी से ड्रेन कर लिया है दालों को, अब मैं ब्लेंडर में डाल रही हूँ। पानी मैं इसमें अभी नहीं डालूँगी, पीसते वक्त मैं इसमें देखूँगी, जब जब पानी ज़रूरत पड़ेगा मैं डालूँगी, वो मैं बताऊँगी कितना पानी डाल रही हूँ। ये चिली चला गया, जिंजर चला गया, ज़ीरा, सॉल्ट और हींग पाउडर चला गया। सभी मसाला को मैंने दाल में साथ डालकर पीस रही हूँ। और 5 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी डाला है दाल में, और थोड़ा टाइम लगा है पीसने में, क्योंकि कम पानी की चीज़ को थोड़ा टाइम लग जाता है पीसने में। बहुत पानी नहीं डालना है, थोड़ा सूखा सूखा ये होगा, ड्राई ड्राई सा ये बैटर। इसे सिर्फ 5 टेबल स्पून पानी मैंने पीसा है, बीच में एक दो बार मैं इसको चलाती भी रही हूँ। ये 2 टेबल स्पून किशमिश है वो मैं ऐड कर रही हूँ, किशमिश ऑप्शनल है, किसी को नहीं पसंद है तो नहीं भी डाले। 1/2 टीस्पून ये बेकिंग पाउडर मैंने डाला है, वो देखें बेकिंग पाउडर है। अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ अच्छी तरीके से, और अगर बेकिंग पाउडर नहीं डालना है तो हाथ से थोड़ी देर मिक्स इसको करना है, इतना फेंटना है कि बिल्कुल हल्का हो जाए, फ्लफी सा हो जाए। इसको मैं पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ बेकिंग पाउडर और किशमिश को। वैसे किशमिश वाला बहुत टेस्टी होता है, नहीं और नहीं पसंद है तो नहीं भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। अब इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ, बेकिंग पाउडर, किशमिश और तेल को मिक्स कर लेती हूँ, और इसको 30 से 35 मिनट्स ढक कर मैं इसको रूम टेम्परेचर पर रख दूँगी, फ्रिज में नहीं रखना है इसको। ये मिक्स हो गया, अब मैं इसको रख दूँगी। 35 मिनट्स हो गए हैं, अब मैं पकौड़ों को फ्राई करूँगी। तेल हमारा गर्म हो रहा है, मैं चेक कर लेती हूँ, और ये मैं इसमें पकौड़े अब डाल रही हूँ। चाहे तो इससे भी और बड़े साइज़ के बना सकते हैं, इससे छोटे साइज़ के बना सकते हैं, मैं मीडियम साइज़ का बना रही हूँ। शेप भी देना चाहे तो दे सकते हैं, मैं राउंड शेप का बना रही हूँ, क्योंकि जब ये दही में पानी में फूलेंगे, फिर दही में जब जाएंगे तो और थोड़ी देर रहने के बाद और भी बड़े साइज़ के ही हो जाएंगे पकौड़े। और चूल्हा मेरा अब मैंने मीडियम कर दिया है, और इसको मैं अभी चलाऊँगी बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा फ्राई हो जाए। अब ये फूलने भी लगा है, साइज़ इसका अभी बड़ा हो गया है। जिन लोगों को माश की दाल नहीं खाना है, नहीं खाना पसंद है, नहीं चाहते हैं खाना, वो लोग सिर्फ मूंग की दाल का सेम रेसिपी भी बना कर खाएं, या चना की दाल का बेसन से। और जो लोग को मूंग की दाल वाला मिक्स नहीं पसंद है, वो सिर्फ माश की दाल का बनाएं। इसको मैं छन्ना से निकाल देती हूँ, और ये पकौड़े हमारे गोल्डन हो रहे हैं, कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसको पलटूंगी। चूल्हा मैंने मीडियम टू लो कर दिया है, क्योंकि लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, और थोड़ा देर तक, तकरीबन 5 से 6 मिनट्स फ्राई करना है लो फ्लेम पे, कि अंदर से ही अच्छी तरीके से सीख जाए पकौड़े, कच्चे नहीं हों। माश की दाल है तो बेकिंग सॉरी इसमें वो डालना है, हींग पाउडर भी ज़रूर डालना है। ये पकौड़े हमारे फ्राई हो गए हैं, और ये ब्लैक ब्लैक सा किशमिश दिख रहा है। तकरीबन 6 मिनट्स इसको मैंने फ्राई किया है, गोल्डन भी मैंने डार्क गोल्डन किया है, क्योंकि इसको मैं पानी में डालूंगी 10 मिनट के लिए, तो कलर वाइट हो जाएगा। अब मैं बचा हुआ अभी बाकी को इसी तरह फ्राई कर लेती हूँ। बहुत ही ईजी है, सिंपल सा है, लेकिन खाने बहुत चटपटा सा बना के खाएँ तो बहुत मज़े का ही होता है। और अभी गर्मी बहुत है, होममेड दही बड़ा बना कर खाएँ। दही का असर से इतना मसाला जाएगा कि वो दही के ठंडे का असर ख़त्म हो जाएगा। ये भी हमारा तकरीबन 6 मिनट फ्राई हो चुका है, अब इसको मैं निकाल लेती हूँ
और ठंडा करके इसको मैं डालूंगी पानी में। 5 मिनट्स मैंने नॉर्मल कर लिया, अब मैं इसको पानी में सोक कर रही हूँ। पानी में मैंने नमक नहीं डाला है, सिर्फ पानी में इसको ढक कर मैं 10 मिनट के लिए रख दूँगी। इस बीच मैं दही अपना इसको तैयार कर लेती हूँ। ये तकरीबन मैं इसमें 600 ग्राम्स दही ले रही हूँ। जिन लोगों को ज़्यादा दही वाला चाहिए वो और भी ऐड कर सकते हैं, मैं भी इतना ले रही हूँ, फिर बाद में देखती हूँ। और ये मैं चटपटा वाला दही बड़े बना रही हूँ। 1 कप माश की दाल, 1/2 कप मूंग की दाल का 24 पीसेस पकौड़े हमारे तैयार हुए हैं। अभी मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया दही में। थ्री टेबल स्पून शुगर डालना है, 600 ग्राम्स दही है, 3 टेबल स्पून शुगर, 1 टी स्पून ये मैंने सॉल्ट डाला है। सॉल्ट मैंने 1 टी स्पून पकौड़े में भी डाला है, ध्यान से डालना है, अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। और ये 1 टेबल स्पून चाट मसाला मैंने डाला है, चटपटा वाला है तो चाट मसाला मैंने ज़्यादा डाला है 1 टेबल स्पून, और भी मैं ऐड करूँगी। 1 टी स्पून मैंने मसाला, दही बड़े वाला मसाला डाला है, ये होम मेड है, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दही भल्ले और दही बड़ों में मैं ये मसाला यूज़ करती हूँ। और 1/2 कप मैंने पानी डाला है, मैं पहले मिक्स कर लेती हूँ, देखती हूँ पानी और इसमें चाहिए कि नहीं। किसी को और चाहिए पानी, पानी वाली दही, तो इसमें 1/2 कप और भी ऐड कर सकते हैं पानी। मुझे तो बस ये ठीक लग रहा है, इतना इसका थिकनेस ठीक है। ये देखें, बस इतना ही मैं रखूँगी, अब मैं पानी ऐड नहीं करूँगी। मैं फिर 3 से 4 टेबल स्पून डिश में मैं नीचे दही रख रही हूँ, मसाले वाली दही। और ये 10 मिनट्स मैंने पकौड़ों को पानी में फुलाया है, अब इसको मैंने हल्का सा दबाया और किनारा भी इसका थोड़ा सा क्रश हो गया है, ये ब्लैक ब्लैक किशमिश दिख रहा है। ये मैं इसको दही में बिछा दूँगी नीचे। किशमिश ऑप्शनल है, किसी को अगर पसंद नहीं है तो नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन अच्छा लगता है दही बड़ा में खाने में किशमिश अच्छा लगता है। ये पानी में पकौड़े इतना देर 10 मिनट मैंने रखा है तो इसका कलर देखें वाइट हो गया है। और जब ये दही में थोड़ी देर, 1/2 घंटा 1 घंटा जब इसके अंदर डिश में ये रहेगा तो ये इसका साइज और भी बड़ा हो जाएगा, फूल जाएगा। सभी पकौड़ों को मैं इसमें डाल देती हूँ। अब ये दही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये जो भी मैंने मसाला वाला ऐड, चाट मसाला और शुगर वाला बनाया दही, वो मैं डाल रही हूँ। किसी को और पतला चाहिए वाटरी दही तो और पानी ऐड कर सकते हैं। बाकी का मसाला मैं ऐड कर दूँ। ये 1 टी स्पून मैंने ये ज़ीरा पाउडर डाला, ये मसाला होममेड दही बड़ों वाला जो पाउडर मैं बनाती हूँ वो है। ये इमली की खट्टी मीठी चटनी, ये भी होममेड है, इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और चटपटे वाला ये दही बड़ा है तो अपने हिसाब से जितना डालें चाहे खाएं। और ये चिली पाउडर मैंने थोड़ा डाल दिया है, किसी को तीखा वाला चाहिए तो चिली पाउडर और ज़्यादा डालें। ये हरी चटनी धनिया पुदीना वाली है, ये ऑप्शनल है, किसी को अगर पसंद नहीं है तो नहीं भी डाल सकते हैं। ये चाट मसाला मैं डाल रही हूँ 1/2 टी स्पून, बाकी फिर सर्व के वक्त मैं डालूँगी। और मैं इसको मिट्टी के कूलर में सर्व करती हूँ। ये देखें, ये फूल कर और भी बड़े साइज़ का होगा। ये इमली की चटनी मैंने डाला खट्टी मीठी वाली, बहुत चटपटा सा ये दही बड़े। ये चाट मसाला मैंने 1/2 टी स्पून डाला, हरी चटनी चली गई। सर्व के वक्त जितना दिल चाहे चिली पाउडर, चाट मसाला, इमली की खट्टी मीठी चटनी, ज़ीरा पाउडर डाल के खाएं चटपटा बनाकर। ये चाट मसाला चला गया, देखिए कितना प्यारा कलर इसका आया है।
चटपटा दही बड़े बनाएं, खाएं, एंजॉय करें।